आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा वजीर आजम नरेंद्र मोदी की, जी हां, और आरएसएस की। आरएसएस ने नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी बात कह दी है। 2024 में क्या होगा, एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है। कई सवाल उभर गए हैं और भाजपा में तो हड़कंप मच गया है। भाजपा में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है कि आखिर आरएसएस ने पीएम मोदी के लिए ये क्या कह दिया, हिंदुत्व के लिए क्या सवाल उठा दिया। आरएसएस ने अपने अखबार द ऑर्गेनाइजर में लिखा है, एडिटोरियल में लिख दिया है कि सिर्फ मोदी मैजिक या हिंदुत्व के जरिए 2024 का चुनाव नहीं जीता जा सकता। और यह बात यूं ही नहीं कह दी, बल्कि पूरा तजिया पेश किया है, एक तरीके से पूरी रिपोर्ट पेश की है, कर्नाटक का हवाला दिया है, कर्नाटक को सामने रखा और यह कहा है कि 2024 में जो चुनाव होगा और उससे पहले जो 5 राज्यों में चुनाव होंगे वो सिर्फ मोदी के चेहरे और हिंदुत्व के जरिए नहीं जीते जा सकते। ये क्यों बात कही है, मैं उस पर रोशनी डालूंगा और आखिर में जो मैं नतीजा देने जा रहा हूं वो सुनकर आप भी महसूस करेंगे कि मैं जो कह रहा हूं वो बिल्कुल दुरुस्त है और यही 2024 से पहले होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक में बहुत ही शर्मनाक भाजपा की हार हुई है और अभी 5 स्टेट में चुनाव होने, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में और मिजोरम में, और बहुत मुमकिन है कि जम्मू कश्मीर में भी चुनाव करा दिए जाएं, ऐसा कहा जा रहा है। तो 5 के बजाय हम 6 स्टेट भी कह सकते हैं कि 6 जगहों पर चुनाव होने। अब यहां पे अगर आप देखें तो जो मध्य प्रदेश से खबर आ रही है वो बहुत भाजपा के लिए बुरी खबर है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भाजपा हारती नजर आ रही है। कांग्रेस ने दावा कर दिया है कि हम यहां 230 सीटों में से तकरीबन 150 सीटों पर कब्जा करेंगे, और अब तो कमलनाथ ने बजरंग सेना को भी शामिल कर लिया है। बजरंग दल तो आप सुन रहे थे, बजरंग सेना भी आ गई और वो कांग्रेस के साथ आ गई। कर्नाटक का जिक्र क्यों किया आरएसएस ने, क्यों द ऑर्गेनाइजर में ये पूरी रिपोर्ट छपी? उन्होंने कहा कि सिर्फ इससे काम नहीं चलना, इसका मतलब यह है कि कर्नाटक में हिंदुत्व और मोदी चेहरे पर पूरा चुनाव लड़ा गया, क्योंकि मोदी ने इतनी रैलियां की हैं, शायद कहीं की पैदल मार्च किया और हिंदुत्व के सारे एजेंडे वहां खोल दिए, चाहे वो हिजाब का मामला हो, चाहे वो हलाल का मामला हो, चाहे वो मुस्लिम रिजर्वेशन का मामला हो या यक्सा सिविल कोड का मामला हो, कोई चीज बची नहीं। और आखिर में तो जय बजरंग बली तक वहां पे आ गया और बजरंग बली तक को नहीं छोड़ा गया। और पीएम ने खुद कहा कि जय बजरंग बली कहकर के आप वोट डालिए, लेकिन नतीजा जब आया तो बिल्कुल साफ था कि भाजपा साफ हो गई। 224 सीटों में से आप देखिए कि बीजेपी सिमट गई 64 सीटों पर और कांग्रेस 136 सीटों पर जीत गई। ये कोई मामूली बात नहीं थी और इसमें 14 मंत्री हार गए जो भाजपा के थे और उन पर भ्रष्टाचार के बड़े इल्जाम लगे हुए और बार बार उनका दिफा करना पड़ा, और यही चीज अपनी रिपोर्ट में द ऑर्गेनाइजर में आरएसएस ने पेश की। कहा कि पहली बार हुआ है कि मोदी सरकार में भ्रष्टाचार को इतना ज्यादा उसका बचाव करना पड़ा, इतना दफा करना पड़ा, बार बार क्लियरेंस देनी पड़ी, सफाई देनी पड़ी, ये अच्छी बात नहीं है। ये बात पूरा जो है, क्योंकि कर्नाटक में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बना हुआ, लेकिन भाजपा को लग रहा था कि ये कोई बात नहीं है, अगर हिंदुत्व मैजिक चला और मोदी का चेहरा चला तो जाहिर है कि हर चीज बेमानी हो जाएगी, चाहे वो भ्रष्टाचार हो और चाहे वो हुकूमत की नाकामी हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहां का जो नतीजा आया वो बहुत ही खतरनाक रहा और इसीलिए
अब आरएसएस का कहना है कि हमें मकामी सतह पर जो चेहरे हैं उनको मजबूत करना पड़ेगा, मकामी लीडरशिप को उभारना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो यही देखा जा रहा था 2014 के बाद कि हर जगह बलदियाती चुनाव हो, निकाय चुनाव, वहां भी मोदी चेहरा, विधानसभा का चुनाव हो तो वहां भी मोदी चेहरा, हर जगह मोदी चेहरा। लेकिन इससे दिन पर दिन भाजपा कमजोर हो रही है, इसका एहसास आरएसएस को हो गया। और यही वजह है कि आरएसएस ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि सिर्फ हिंदुत्व और पीएम मोदी के चेहरे से काम चलने वाला नहीं है, इससे हम रियासतें भी हार जाएंगे और 2024 का चुनाव भी हार जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात कही है आरएसएस ने मोदी के लिए, यानी बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मोदी मैजिक नहीं रहा, और यह भी कर दिया, क्लियर कर दिया कि हिंदुत्व भी बहुत ज्यादा हिंदुत्व को नहीं खेला जा सकता, बल्कि मुद्दों को उठाना पड़ेगा, गोया कि रोजगार पर बात करनी पड़ेगी, नौजवानों के भविष्य की बात करनी पड़ेगी, महंगाई पर बात करनी पड़ेगी, लगाम लगाना पड़ेगा। ये बात जो है आरएसएस ने बहुत क्लियर कट गए। अब इस पर कांग्रेस का भी बयान आ गया, जाहिर है कि जब आरएसएस ने मोदी पर कटाक्ष किया है, मोदी पर इतनी बड़ी बात कही, हिंदुत्व पर इतनी बड़ी बात कही है, तो कांग्रेस चुप कैसे रह सकती, रहना भी नहीं चाहिए, ये तो पॉलिटिकल मामला है। तो अब कांग्रेस में रणदीप सुरजेवाला ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बात कही, उन्होंने कहा कि आरएसएस ने माना है कि कर्नाटक के लोगों ने पीएम मोदी को नकार दिया है। ये बात अब आरएसएस ने मान ली है और कि कर्नाटक के लोगों ने पीएम मोदी को नकार दिया है, लिहाजा अब लोगों को चाहिए, भक्तों की बात कर रहे हैं, कि जो मोदी जी का महिमा मंडन किया जाता है ये बंद कर दिया जाए। ये कांग्रेस का बयान आया। तो बहरहाल ये चुनाव से पहले आरएसएस की तरफ से यह रिपोर्ट, इसके बड़े मानी निकाले जा रहे हैं, और इसीलिए भाजपा में हड़कंप मची हुई है, अफरा तफरी का माहौल है, हंगामी मीटिंग बुलाई गई है ये देखने के लिए कि अब किया क्या जाए, और आरएसएस ने क्यों ऐसा कह दिया, इतना खुलकर बोलने की क्या जरूरत थी, क्या ये बात जो है वो मीटिंग के अंदर नहीं कही जा सकती थी, क्या ये बात अंदर खाने समझाई नहीं जा सकती थी, ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर आरएसएस ने ये बात पब्लिक प्लेटफॉर्म पर क्यों कही, क्या ये बात अंदर नहीं कही जा सकती, क्या ये बात अंदर नहीं समझाई जा सकती थी, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि मोदी से आरएसएस का मन भर गया, मोदी जो मनमानी करते हैं अब आरएसएस उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, आरएसएस को लग रहा है कि अगर अब बदलाव न किया गया तो 2024 में जो हमारी सरकार है वो हाथ से निकल जाएगी। क्या ऐसा कुछ है, वरना हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर इस पब्लिक प्लेटफॉर्म से, पब्लिक फोरम से इस तरह की रिपोर्ट पेश करने का क्या मतलब है, यह नसीहत एक अखबार के एडिटोरियल में देने की क्या जरूरत थी, यह समझने वाली बात है, यह गौर करने वाली बात है कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या तर्क है, इसके पीछे क्या राजनीति है, इसके पीछे क्या मकसद है, इसके पीछे क्या मंसूबा है, यह तमाम चीजें जो है वो समझने की। और इसीलिए भाजपा में एक तूफान, सुनामी सी पैदा हो गई। वो बात अलग है कि हमारा गोदी मीडिया इसको बिल्कुल नहीं दिखा रहा, कांग्रेस का भी कोई मामला होता तो अभी इस पे शो हो जाते, लेकिन आरएसएस के एडिटोरियल पर, बहुत बड़े एडिटोरियल पर सबको साफ सुन गया। अभी भी आप जाके टीवी पे देखिए तो वहां पे 72 हूरों पर डिबेट हो रही है, वहां पे औरंगजेब पर डिबेट हो रही है, वहां पे हिजाब पर डिबेट हो रही है, लेकिन जो देश का मामला है कि आरएसएस जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पीएम मोदी और हिंदुत्व पर सवाल खड़े कर दिए,
उस पर डिबेट नहीं हो रही, क्योंकि उस पर डिबेट करने किसी की हिम्मत ही नहीं है। अब सवाल यह है कि ये जांघ खोले या वो जांघ खोले, लाश तो आती है, तो करें क्या? अब किस पर कमेंट करें? आरएसएस पर कमेंट करें कि उन्होंने क्यों ऐसा कह दिया, या भाजपा को कहें कि अब मोदी जी को हटाओ, भाजपा को बचाओ, 2024 में सरकार बचाओ? एक बड़ा सवाल यहां पे आ गया है कि क्या अब 2024 में मोदी जी चेहरा नहीं रहेंगे? क्या कोई नया चेहरा आरएसएस लाना चाहती है? वो कौन सा नया चेहरा होगा? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी होंगे, लेकिन चूंकि हिंदुत्व की बात भी आ गई है, या फिर मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कहने जा रहा हूं, अब बहुत बड़ा चेहरा बीजेपी का आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, जिसको शायद नजरअंदाज किया जाता रहा, जिसको कहते नितिन गडकरी। क्या मोदी की जगह नितिन गडकरी आएंगे, जो एक विकास पुरुष, आप पूछ लीजिए तमाम मोदी भक्तों से भी पूछ लीजिए, वो कहेंगे कि सबसे ज्यादा अगर किसी ने काम किया है, ईमानदारी से अगर सबसे ज्यादा किसी ने काम किया है, तो नितिन गडकरी ने किया। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आरएसएस जो है वो मोदी की जगह अब नितिन गडकरी को पेश करने जा रही है? क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ को चेहरा बनाएगी, क्योंकि हिंदुत्व को भी तकरीबन आरएसएस ने नकार दिया कि सिर्फ इससे कुछ होने वाला नहीं, विकास, डेवलपमेंट, सकारात्मक बातें। और आखिरी बात, जो भ्रष्टाचार की बात कही, तो क्या जो केंद्र में भ्रष्टाचार हुआ, कांग्रेस बार बार जो ये बात पूछ रही है कि आखिर 20,000 करोड़ रुपए अडानी के कहां से आए, और बार बार इस पर घेर रही है, अडानी को लेकर के हंगामा मचो हुआ है, और बार बार जिस तरीके से, अब आप समझिए इस मामले को, आरएसएस ने कहा यह पहली बार हुआ कि हमें कर्नाटक में भ्रष्टाचार का बचाव करना पड़ा, तो केंद्र में क्या करना पड़ रहा है? अब आप समझिए इसको, जरा दूसरी तरह से इसको समझिए कि केंद्र में क्या करना पड़ रहा है, क्या अडानी का बचाव नहीं करना पड़ रहा है? सब कुछ होने के बावजूद क्या ऑल इज वेल नहीं कहना पड़ रहा है सरकार को? क्या लाजवाब मोदी सरकार नहीं हो रही अडानी के मामले में? और अगर ऐसा नहीं है तो क्या 2024 से पहले अडानी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्या अडानी के मामले की जांच होगी? और अभी तो 2.5 महीने का वक्त मिला है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी वो मामला अभी थमा नहीं है। और इसके साथ ही बहुत मुमकिन है कि पुलवामा का भी मामला उठाया जाए, और फिर जो महिला पहलवानों का मामला है इसको भी नजरअंदाज करके नहीं देखा जा सकता। और अभी कई भ्रष्टाचार हैं जो सामने आने बाकी हैं, तो क्या इन पर भी काम किया जाएगा? और इसके लिए जिम्मेदारी किसको ठहराई जाएगी? इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? किसको बनाया जाएगा? केंद्र में जाहिर है कि जिम्मेदार पीएम होंगे, तो ऐसे में क्या कहा जाएगा? इस पूरी लॉजिक को समझिए और फिर आप बताइए कि क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत। मजबूरी तो हो सकती है किसी वजह से, लेकिन जरूरी नहीं हो सकता कि पीएम मोदी 2024 में भाजपा के चेहरा बने, और बीजेपी और आरएसएस के बीच में ये जो बातें हैं वो बीजेपी और आरएसएस के नहीं बल्कि पीएम मोदी और आरएसएस के बीच की। और इसलिए बहुत वादे, बहुत क्लियर चीजें सामने आ गई। देखिए कि होता क्या। बहुत बहुत शुक्रिया।